कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 का 9वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें S7 दिया हुआ है, 49, और S17 दिया हुआ है, 289। इन दोनों चीजों का प्रयोग करके हमें इसके प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn निकालना। तो यह प्रश्न थोड़ा सा जटिल है लेकिन हम इसे हल करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास है S7। Sn का फार्मूला होता है n बटा 2 गुना 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। इसी का हम प्रयोग करेंगे। देखिए S7 हमें दिया हुआ है 49, यानी कि n बटा 2, n कितना है 7 बटा 2 गुना 2, a हमें नहीं पता, प्लस n माइनस 1, n कितना दिया हुआ है 7, 7 माइनस 1 गुना d, यह बराबर है 49। नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया। n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d में वैल्यू पुट करी, n हमें पता था n है 7, यहाँ S7 दिखा इसका मतलब n है 7, 7 बटा 2 गुना 2a, 2a प्लस n की जगह 7, 7 माइनस 1 इंटू d बराबर 49 दे दिया। ठीक है, a हमें पता नहीं इसलिए 2a रहने दिया, d हमें पता नहीं इसलिए इसको d रहने दिया। इसको हम हल करेंगे कैसे, देखिए 7 यहाँ इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 इस ब्रैकेट के साथ भाग हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो बाकी जो बच गया उसको लिख दो, ये है 2a प्लस 7 में से 1 निकाल दिया 6। यहाँ पर देखिए 7 से 49 कट गया, 7 7 49। इसके बाद ये भी 2 के बारे में आता है, ये भी 2 के बारे में आता है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले, तो बाकी बच गया a प्लस 2a को 1, 2 से भाग कर दिया 1, 6 को 2 से भाग कर दिया 3 3 बराबर है 7 गुना 2, 2 इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, बाकी बच गया a प्लस 3d, तो हमारे पास आ गया a प्लस 3d बराबर 2 कट चुका है, बाकी रह गया 7। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी के पैरेलल में यहाँ पर इसको भी ऐसे ही हल कर, ठीक है, S7 था 49, ये हमने यहाँ सॉल्व कर दिया, S17 है 289, इसको क्या S17 है 289, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे ये फार्मूला यही है, n कितना है अब यहाँ पर 17, बेटे आप लिखवाना मेरे को n बटा 2 यानी 17 बटा 2 ब्रैकेट शुरू 2 इंटू a, a कितना है नहीं पता इसलिए 2a प्लस n कितना है 17 माइनस 1 इंटू d कितना है डी नहीं पता बराबर 289। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे 289 17 इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है यहाँ जाएगा तो भाग हो जाएगा 2 इस ब्रैकेट के साथ भाग हो रहा है यहाँ जाएगा तो गुना होगा बाकी क्या बच गया देखो 2a प्लस 17 में से 1 निकाला 16। यहाँ पर 17 को 17 से गुना करो तो 289 आता है, ठीक है 17 गुना 2 कितना हो गया, या इसको ऐसे रहने दो 17 गुना 2 जैसा हमने यहाँ छोड़ा था 7 गुना 2, यहाँ पर हमने क्या किया था, ये भी 2 के बारे में आता है, ये भी 2 के बारे में आता है, यहाँ भी हमने यही देखा था ये भी 2 के बारे में आता है, ये भी 2 के बारे में आता है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 को 2 से भाग कर दिया बाकी रह गया 1, 16 को 2 से भाग कर दिया बाकी रह गया 8, 2 इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है इधर जाएगा तो डिवाइड इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 2 से 2 कट गया यहाँ पे बच गया a प्लस 8d, तो इसका मतलब a प्लस 8d किसके बराबर आ गया 17। इसको ले लें इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखें हमारे पास एक इक्वेशन आ गई a प्लस 3d बराबर है 7 के, दूसरी
इक्वेशन आ गई a प्लस आठ डी बराबर है 17 के। हमारे पास दो चरे हैं a और d, दो ही समीकरण हैं यहाँ पर, एक और दो, इन दोनों को विलोपन विधि से हम हल करेंगे और हमारे पास a और d दोनों की वैल्यू आ जाए। आइए हम इसे आगे हल कर लें। अब हमारे पास पहली इक्वेशन है a प्लस तीन डी बराबर है 7 के, ठीक है बच्चों बोलिए। और दूसरी इक्वेशन है a प्लस आठ डी बराबर है 17 के, तो विलोपन विधि लगानी है, दोनों के साइन चेंज कर दो, ठीक है माइनस a से a कट गया, ये आ गया 3d माइनस 8d, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 निकाले 5d, साइन बड़ी रकम का माइनस, यहाँ पर 7 माइनस 17, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 7 निकाले 10, साइन बड़ी रकम का माइनस, तो d किसके बराबर आ गया माइनस 10, 5 माइनस 5 d के साथ गुना हो रहा है इधर जाएगा तो 8, माइनस से माइनस कर गया 5 एकम 5, 5 गुनी 10, तो d कितना आ गया 2 के बराबर। इस d के मान को चाहे आप इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे आप इक्वेशन 2 में रख दो, तो मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, तो इक्वेशन 1 में हमारे पास इक्वेशन 1 थी a प्लस 3 गुना d बराबर है 7 के, तो ये आ गया a प्लस 3 गुनी 6 बराबर 7, a आ गया 7, 6 इधर प्लस हो रहा उधर जाके माइनस, a आ गया 1, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ a और d की वैल्यू आई है, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। यदि हम अपना क्वेश्चन दोबारा से देखें और पूरा, यदि हम अपना क्वेश्चन दोबारा देखें, हमें क्या निकालना था, हमें सातवें 7 पदों का योग दिया था, 17 पदों का योग दिया था, और हमें बोला गया था पहले n पदों का योग निकालो, तो आइए अब हम पहले n पदों का योग निकालेंगे और पूरा फिर Sn का फार्मूला है n बटा 2 गुना 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d के बराबर। इसमें से जो हमें पता है उसकी वैल्यू हम रख देंगे, n हमें नहीं पता, बटा 2 गुना 2 इनटू a, a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इनटू d कितना है 2, d है 2 के बराबर। इसे हम हल सकते हैं, ये है n बटा 2 गुना 2 एकम, यहां मैं ऐसे भी कर सकते हैं, यहां भी ये 2 से गुना हो रहा है, यहां भी 2 से गुना हो रहा है, इसमें से 2 को कॉमन ले लो, तो बाकी बच गया 2 एकम 2 में से 2 ही कॉमन चला गया, बाकी रह गया 1 प्लस, यहां से बच गया n माइनस 1, 1 से 1 कट गया 1 माइनस 1 0, यहां 2 से 2 कट गया, यहां बच गया n गुना ब्रैकेट में बच गया n, तो n गुना n कितना आ गया n। इसका मतलब इस AP के लिए Sn AP के n पदों का जो योग होगा वो होगा n स्क्वायर, ठीक है n स्क्वायर, तो यही इस प्रश्न का हल है।